ऑपरेशन प्रहार के तहत खरगोन जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में बढ़वा थाना प्रभारी गजेंद्र बर्मन ने अपनी टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर इकबाल चौक बढ़वा में मासूम पिता मंजूर अली को गांजे के साथ धर दबोच लिया। अपराधी के पास से 1 किलो 200 ग्राम गांजा जब्त कर धारा क्रमांक 245/19 धारा 8/20 NDPC एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया है। बढ़वा TI ने बताया कि किसी भी प्रकार का गलत गतिविधियों को बख्शा नहीं जाएगा। बढ़वा से रफीक मुंडा की रिपोर्ट। धरपकड़ का विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत में एक टीम गठित की गई थी मुखबिर सूचना पर, जिसमें सब इंस्पेक्टर दीपक यादव, आरक्षक जितेन, नितिन और अन्य स्टाफ था। टीम बनाकर प्लान के मुताबिक घेराबंदी कर मासूम को पकड़ा गया, जिसके पास 1 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा मिला। इसके संबंध में उससे पूछताछ की गई, कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिससे जब्त करके उसको गिरफ्तार किया गया है और धारा 8/20 NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। ऑपरेशन प्रहार आगे भी जारी रहेगा? हाँ, ऑपरेशन प्रहार कंटिन्यू जारी रहेगा और ये ऑपरेशन प्रहार खत्म होने के बाद भी अवैध जो मादक पदार्थ है, चाहे शराब है, गांजा है, चाहे स्मैक है या फिर अन्य जो ऐसी चीजें नशीली चीजें हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी। सर, इसके अलावा भी कुछ लोग? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। विदिशा जिले